हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बीकॉम ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं थर्ड ईयर के, उनका जो पेपर 16 होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उस पेपर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो SQL दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए रेलिवेंट है, जिसमें कि हम देखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, मीन्स आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स क्या आएंगे, उसके अंदर आपके क्या सिलेबस कंटेंट रहने वाला है और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जी सब आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप SQL के स्टूडेंट्स हैं तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो SQL के ऊपर अपलोड कर रखी है, और मैं आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो लाऊंगा, जिसमें कि मैं ऐसे ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सबको डिस्क्राइब करने वाला हूँ दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप दोस्तों देखते हैं कि आपके जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि आपके पेपर 16 रहता है, उसके टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपकी क्या है। देखिए दोस्तों, आपकी जो इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स रहेगी वो 6 रहने। फर्स्ट यूनिट जो आपकी है वो है आपकी नेचर एंड स्कोप डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट मैनेजमेंट। देखिए इसमें से अगर मैं बात करूँ आपका कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो फर्स्ट आपका थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, हम कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, और कैसे कॉस्ट को रिडक्शन किया जा सकता है, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम आते हैं सेकेंड यूनिट के अंदर। सेकेंड यूनिट जो है आपकी वो है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कंसेप्ट क्या है ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनल बजट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल बजट्स क्या होते हैं, जीरो बेस बजट क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग एंड परफॉर्मेंस बजट्स। सेकंड यूनिट जो है आपकी वो बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल से है, जो कि आपकी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आते हैं थर्ड यूनिट के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियस एनालिसिस। मीनिंग क्या है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, उसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, उसकी वेरियंस एनालिसिस क्या है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की, सेल्स वेरियंस की। इसमें से आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अंदर जो है आपको पता होना चाहिए कि मीनिंग एडवांटेजेस और क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, और आपको पता होना चाहिए लेबर मटेरियल और ओवरहेड्स, इन सब में आपका क्या फ़र्क है। ये क्वेश्चन आप के थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है कि उसके एडवांटेजेस बताइए, लिमिटेशंस बताइए, और डिफरेंस बिटवीन का भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब हम आते हैं यूनिट 4 के अंदर, एब्जॉर्प्शन वेरियस वेरिएबल कॉस्टिंग। इसके अंदर हम देखेंगे कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिक मेथड, दो मेथड के थ्रू हम निकालना सीखेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल्स रेशियो आपकी कैसे निकलती है वो निकालना सीखेंगे। की फैक्टर क्या है आपके, साथ ही हम देखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंजल ऑफ इंसिडेंट्स, डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंडिफरेंस का पॉइंट। और यूनिट के अंदर हम ये देखेंगे, इस वाली यूनिट के अंदर मैं बात करूँ तो इसमें से आपके बोथ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये पॉइंट ये यूनिट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट के अंदर, जो कि यूनिट 5th है आपकी, डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको एनालिसिस ऑफ एड्स एंड मेकिंग डिसीजन, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कंट्रोलिंग न्यू मार्केट मेक और बाय प्रोडक्ट मिक्स, ऑपरेट और शट डाउन, या फिर आपका सेलर ऑफ प्रोसेस फर्दर। ये आपकी यूनिट 5th है, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही एग्जाम में, ये यूनिट भी आपको आनी चाहिए, ये भी एक आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब हम आते हैं आपकी जो लास्ट यूनिट है, जो कि यूनिट 6th है, इसके अंदर हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट आपका आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसकी क्या कंसेप्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आपके क्या होंगे इसके अंदर, और परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल मेजर्स। तो ये आपकी यूनिट 6th थी। ये तो था आपका यूनिट्स, जो कि आपके चैप्टर्स हैं, इसके अंदर हमने देखी कि आपके क्या सिलेबस है और क्या की कंसेप्ट है, की पॉइंट है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे। देखिए इसमें से मैं बात करूँ आपको कौन सी यूनिट करके जानी है, कौन सी छोड़ के जानी है, तो देखिए ऐसा मत करके जाइएगा, पेपर में आपको 6 की 6 यूनिट करके जानी है,
तो छोड़ के नहीं जाना है। अगर मैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, थ्योरी क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उसका कंसेप्ट ही पता ना हो या फिर पता ही ना हो। जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होता है, तो आपको यही ना पता हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। एटलीस्ट अगर आपको ये पता होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, तो आप बना बना के भी पेपर में लिख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको 6 के 6 चैप्टर में थ्योरी के में तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि वो कंसेप्ट आपको कहना क्या चाहता है। अगर आप ऐसा समझ के जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर आप रट्टाफिकेशन करके जाएंगे थ्योरी क्वेश्चन को तो आपको प्रॉब्लम पेपर के टाइम आ सकती है दोस्तों। थ्योरी में तो आपको समझ के ही जाना है। अब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल के लिए आपके पास अगर कोई बुक है तो आप बुक को रेफ़र कीजिएगा, और उसके सारे एग्जाम्पल कंसेप्ट होने के बाद जब आप वो समझ लें वो कंसेप्ट, उसके बाद आप एक एक एग्जाम्पल करिएगा। हर एक कंसेप्ट का एटलीस्ट एक एग्जाम्पल कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वो कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। जैसे ही आपका वो हो जाता है उसके बाद आप 10 साल के पिछले क्वेश्चन उठाइएगा, उसमें आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन को बिना आंसर देखे सोल्व कीजिएगा प्रैक्टिकल वाले को, और जो थ्योरी क्वेश्चन है उसको आप रीड करिएगा 2 से 3 बार, तो आपको अच्छी तरह वो याद भी हो जाएंगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है पेपर के टाइम पे, जिससे कि आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन कर पाएँ, तो आप 5 साल के भी क्वेश्चन पेपर अगर आप पिछले साल के करके जाएंगे तो वो भी इनफ रहने वाला है। बस आप अपने कंसेप्ट अच्छी तरह रखिएगा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही, और रट्टाफिकेशन ज़्यादा मत कीजिएगा। 6 की 6 यूनिट जो आपके एग्ज़ाम पे आएगी, 6 की 6 आपको करके जानी है। कोई चैप्टर छोड़ के मत जाइएगा और कोई क्वेश्चन पेपर में छोड़ के मत आइएगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा। आप कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा और अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छी रखिएगा। कई बच्चों का ऐसे डाउट होता है कि सर पेपर कैसा आता है, पेपर काफ़ी इजी आता है, आपको ये टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत कि पेपर हार्ड आएगा या कुछ, आप बस अपना पढ़ाई करके जाइए, अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिएगा, पेपर इजी आएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चन लीव मत करके आइए, छोड़ के मत आइएगा, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आगे वाले कुछ दिनों में वीडियो लाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।